नमस्कार दोस्तों, मैं विकास ओपन टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को सिखाया था कि कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं और अपने कंप्यूटर को कैसे दूसरों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को स्किप करके मेरी पिछली वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। मैंने अपनी पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में किसी से कुछ भी छिपता नहीं है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर का पासवर्ड किसी अदर पर्सन को पता चल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स, हमें जरूरत पड़ती है अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को बदलने की। तो इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि अपने कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं और उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बिना मेरी वीडियो को स्किप किया आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कंप्यूटर के पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन अपीयर होती है। यहाँ पर आपको नीचे सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल को सर्च करना है। चलिए मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल सर्च कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिख दिया है और हमारा कंट्रोल पैनल सर्च होकर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोल पैनल सर्च हो चुका है। तो हमें आप कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कंट्रोल पैनल की कुछ इस तरीके से विंडो हमारे सामने ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पर हमें यूजर अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, यूजर अकाउंट। यहाँ पर हमें यूजर अकाउंट के नीचे चेंज अकाउंट टाइप ब्लू कलर से लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो चेंज अकाउंट टाइप पर जाना होता है। तो हम चेंज अकाउंट टाइप पर एक बार क्लिक करते हैं। जैसे ही हम चेंज अकाउंट टाइप पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होकर आ जाती है, जहां पर एक आपका अकाउंट ओपन होता है, यानी यूजर अकाउंट होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा विकास नाम से यूजर अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है। तो मुझे इस अकाउंट पर डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं अपने अकाउंट पर तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आती है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो इन ऑप्शंस में आपको सेकंड नंबर पर यहां दिख रहा होगा चेंज द पासवर्ड। तो आपको चेंज द पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप चेंज द पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर कई सारे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला बॉक्स है करंट पासवर्ड का। तो आपको करंट पासवर्ड में का पासवर्ड फिल कर देना है जो इस समय आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर का करंट पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर का करंट पासवर्ड डाल दिया है। अब आपको न्यू पासवर्ड में कंप्यूटर का कोई नया पासवर्ड बनाना है जो पूरी तरीके से सीक्रेट हो। ध्यान रखें कि ये पासवर्ड कोई और गेस ना कर सके। आपको इस तरीके से एक पासवर्ड बनाना है, ये फुल्ली सीक्रेट होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर एक अपना एक सीक्रेट पासवर्ड बना देता हूँ जो पूरी तरीके से सीक्रेट है। चलिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा अपना नया पासवर्ड डाल दिया है। अब आपको नीचे फोर्थ नंबर पर मिलता है पासवर्ड हिंट का कॉलम। यहाँ पर आपको पासवर्ड की हिंट देना है जो अभी आपने न्यू पासवर्ड दिया है। आप इसकी हिंट दे सकते हैं जिससे आप इन फ्यूचर कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे गेस कर सकते हैं इस हिंट को देखकर। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई हिंट दे देता हूँ पासवर्ड से रिलेटेड। जैसे मैंने यहाँ दे दिया एक्सीलेंट वीके। फ्रेंड्स, मैंने इसी से रिलेटेड अपना पासवर्ड भी बनाया है। तो इन फ्यूचर अगर मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ तो इस हिंट को देख करके मैं अपना पासवर्ड याद कर सकता हूँ, मतलब मैं गेस कर सकता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर सारे कॉलम्स को फिल कर दिया है। उसके बाद अब आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब सीखते हैं कि अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कंट्रोल पैनल सर्च करना है।
और कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे आप कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से विंडो दिखती है। यहाँ पर आपको यूजर अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, उसी के नीचे आपको चेंज अकाउंट टाइप का ऑप्शन मिलता है। आपको चेंज अकाउंट टाइप पर जाना है। जैसे आप चेंज अकाउंट टाइप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन होकर आ जाता है। इस अकाउंट पर आपको डबल क्लिक करना है। अकाउंट पर डबल क्लिक करते ही तो कुछ इस तरीके से फीचर्स ओपन होते हैं। यहाँ पर आपको चेंज द पासवर्ड का सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है, तो आपको चेंज द पासवर्ड पर क्लिक करना है। चेंज द पासवर्ड पर क्लिक करते ही सेम पिछली बार की तरह यहाँ पर भी स्क्रीन ओपन होकर आ गई हमारे सामने। तो कुछ फ्रेंड्स अलग नहीं था, सेम स्टेप्स थे जो अगली बार मैंने फॉलो किए थे। पासवर्ड को चेंज करने में, रिमूव करने में भी आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज करना है। करना क्या है कि उसमें मैंने सारे कॉलम्स को फिल किया था, यहाँ पर सिर्फ आपको करंट पासवर्ड के कॉलम को ही फिल करना है। तो करंट पासवर्ड मतलब मेरे कंप्यूटर का जो इस समय करंट पासवर्ड है, मुझे उसे यहाँ पर फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर का करंट पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर का करंट पासवर्ड डाल दिया है। अब मुझे और किसी कॉलम में कुछ भी फिल नहीं करना है, सभी को ब्लैंक रखना है और चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। अब मेरे कंप्यूटर में कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड का ऑप्शन नहीं दे रहा है। मेरे कंप्यूटर में आप सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, वो पूरी तरीके से फ्री है। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या सच में मेरा कंप्यूटर पूरी तरीके से फ्री है। तो उसके लिए आपको विंडो के साथ एल प्रेस करना है। तो आप अपनी लॉग ऑन स्क्रीन पर चले जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझसे कोई भी पासवर्ड नहीं मांग रहा है, डायरेक्ट साइन इन का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो रहा है। और साइन इन कर पर क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर को दोबारा खोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि कंप्यूटर के पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।